ये वो लम्हा था कि जिसमें एक ख्वाब अपनी ताबीर की तरफ गामजन था, एक ऐसा ख्वाब कि जिसको आँखों में सजाने की कीमत कई लाख लोगों की खून आलूदा लाशें थीं, कि जिसकी ताबीर की कीमत कई माओं ने अपने बच्चों को गवा कर और कई बहनों ने अपने भाइयों के लाशें उठाकर अदा की, और बिल आखिर उन्हें ये आवाज़ सुनने को मिली। आप सब आजाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस मम्लिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब जात या अकीदे से हो, मम्लिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। मुल्क में आइंदा हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर में इजाफे का इम्कान है, जिसके बायस दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान भी मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी रहने की पेश गोई कर दी है। A brutal heat wave has hit Pakistan, with daily temperatures hitting more than 50 degrees Celsius. Pakistan has now turned out to be one of the hottest countries on the planet. तो यहाँ सवाल ये है कि मेरी पाक सरजमीन को लाहक इन तमाम मसाइल का हल क्या है। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन दिस प्लैनेट। तो इसी मकसद के लिए आज मैंने और मेरी टीम ने ये अज़्म किया है कि इस साल हम अपने मुल्क की 75वीं योम आज़ादी के मौके पर 75 पौधे लगाकर अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पौधे हम लोग कल शाम को ले आए थे, तो अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे हम लोगों ने पौधों को लगाना है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम से लेके अभी तक हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग इंशाल्लाह काम शुरू करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पौधे लगाने जा रहे हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कोई हमारी अपनी जाती मलकियत नहीं है, और ये महज हम लोग अल्लाह की रजा और अपने मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए एक कदम उठा रहे हैं। जब भी आप नर्सरी से पौधे लाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि इनको रीप्लांट करने से पहले इनका ये जो सीडलिंग बैग है ये रिमूव कर दें, लेकिन अगर तो इनकी जड़ें बाहर पेनिट्रेट की हों सीड बैग से तो फिर आप इनको विदाउट रिमूवल भी अच्छे तरीके से रीप्लांट कर सकें। रीप्लांटेशन तो हो जाएगी विद सीड बैग, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको रिमूव कर लें, इससे इसके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 95% बढ़ जाएंगे।
कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह ताला एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, तो इनके लिए ख़ास फासला होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जब आप पौधा लगाएं तो आप लोग तकरीबन ना 7 से 8 फीट का फासला इनके दरमियान रखें। प्यारे पाकिस्तानियों, पौधे लगाने से पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप पौधा वो लगाएं जो आपके मुकामी जगह पे, मुकामी इन्वायरमेंट में नेटिव हो, क्योंकि नेटिव प्लांट्स की ग्रोथ रेट बाकी पौधों की निस्बत बेहतर होगी। आज 9 मुहर्रम भी है, इस नस्बत से भी हम यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं कि कल को हम हों या ना हों, लेकिन इन दरख्तों के साए के नीचे कोई बैठे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, मेरा ख़्याल है कि टेम्परेचर आज 39-40-41 के करीब होगा, और अगर कम भी हो तो हबस की शिद्दत की वजह से। ये काम बज़ाहरन जितना आसान लग रहा है उतना ये है नहीं। तो तकरीबन हाफ से ज़्यादा हम लोगों ने लगा दी हैं, गर्मी की शिद्दत के बावजूद हम लोग लगे हुए हैं। तभी हम थोड़ा सा सांस लेंगे, फिर इंशाल्लाह ताज़ा दम होकर दोबारा लगाएंगे इंशाल्लाह। देखें नाज़रीन, जहाँ पे हम ये दरख्त लगाने की मुहिम चला रहे हैं, आप देखें कि यहाँ दूर दराज तक कोई साया, कोई दरख्त मौजूद नहीं है, माँ सवाए इस एक कांटों वाले दरख्त के जिसके नीचे हमने पना ली है थोड़ी देर के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे वाले चंद माह के अंदर हमारे ये लगाए हुए नन्हे पौधे दरख्त बनेंगे और बहुत से लोगों और परिंदों के लिए साए का बाइस बनेंगे।
चिंडियाँ ज़रूर लगाएं, लेकिन ना कम से कम अपने हिस्से का एक एक पौधा आप सब लोग लगाएं और उसकी हिफाजत भी करें। के फजल से चलें तो मंजिल आ ही जाती है। हमारे 75 प्लांट तकरीबन पूरे होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे आखिरी दो खड़े रह गए हैं अल्लाह के फजल से। मेरी आप तमाम लोगों से ये इल्तिमास है कि इस बहुत खूबसूरत ज़मीन से, बहुत खूबसूरत मुल्क से मोहब्बत करें। ये मुल्क हमें बहुत कुर्बानियों से, बहुत शहादतों से और दिन रात की अनथक मेहनत से, हम सब इस बात का अज़्म करें कि आज हम इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे, इसकी हरियाली और इसको सरसब्ज़ और शादाब रखने के लिए और इसको कयामत तक आबाद रखने के लिए अपने अपने हिस्से की शम्मा और अपने अपने हिस्से की ड्यूटी ज़रूर सरंजाम दें। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो।